हरदा में आदिवासियों ने वन मंडलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। आदिवासी शंकर के साथ नाकेदार और डिप्टी रेंजर ने मारपीट की, जिसके विरोध में आदिवासियों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नाकेदार और डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई की मांग की गई है। सनान आदिवासियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम किया जाएगा। संविधान में किसी को भी वो बात पट्टे के बारे में ने बोला था और उठपटान नहीं दिबे दिया यार, उठपटान धका दिया। इलाज का लिए पैसा मांगा मैंने, नहीं तो इलाज कर दे भैया। इलाज करने का बोले जिसका बाद में भैया उठपटान आ गया। डिप्टी साहब ने बहुत मारा मेरे को, मारा और उसका बाद में धका और गिर गया, बेहोश हो गया। मेरे को मालूम ही नहीं चला कैसा घर गया कैसा। पुरपानी और बोबदा रेंज है, वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा एक हमारे आदिवासी भाई के ऊपर हाथ उठाया गया था। इस कदर मारा गया था कि आप देखिए निशान आज 20 दिन बाद भी है। ये सभी लोग जो हम लोग हैं ये थाने में भी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग संविधान से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए थे अधिकारी अपना मांगने के लिए कि भैया या तो उस अधिकारी को आप तबादला करें और उस पर आप उचित कार्रवाई करें, सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कोई भी विभाग हो, आदिवासियों पर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार संविधान नहीं देता है। हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर आप कार्रवाई करिए जांच करके, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आदूटा अगर मिल चुका है, नहीं करते तो बड़े स्तर पे आदिवासी समाज जो है हमारा वो आंदोलन करेगा। जी सर, क्या आवेदन दिया है और क्या मामला? ग्राम के ग्रामीणों की शिकायत थी कि एक ग्रामीण के साथ हमारे डिप्टी साहब और एक फॉरेस्ट गार्ड ने मारपीट किया है, उससे संबंधित शिकायत। क्या कार्रवाई करेगा इसमें? जाँच करेंगे कि मारपीट हुई भी है नहीं है, झूठी शिकायत, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी।